देखिए रिटेलर में क्लिक किए, ये नंबर डाले हम, वीडियो के वैसी कैसे किया आया था ये फुल प्रोसेस बता रहे हैं। 9709398 9309 8 9309 8 9 7 6 क्लिक किए हम, ये आ गया। यहाँ पे एक्सेप्ट किए या वीडियो के वाईसी पे क्लिक किए, जिसका ओटीपी के द्वारा आधार लिंक रहने से ओटीपी के द्वारा आधार वेरिफिकेशन में हो जाएगा, और ओटीपी अगर आधार लिंक नहीं है उसका नंबर पे तो उसको वीडियो के वाईसी से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वीडियो के वाईसी में हम क्लिक किए, ये कुछ समय के लिए लेगा वेट, तब तक ये वीडियो आप देख सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको सारा बोल के रिकॉर्ड करना है। वीडियो क्लिक कर लिए, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जनरेट लिंक, ये लिंक पे क्लिक किए हम, क्लिक जनरल लिंक, लिंक आ गया। इसके बाद फिर कॉपी लिंक पे ही क्लिक किए, ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट में टच किए हम, ये कॉपी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम ब्राउज़र में चले जाएंगे, जहाँ से आपका ब्राउज़र ओपन होगा, जैसे यूसी ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, गूगल में भी ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ जाके हमको पेस्ट करना पड़ेगा। गूगल में हम क्लिक किए, यहाँ आ गए, ठीक है। ये यहाँ हम पेस्ट किए, इसको पेस्ट किए, वो लिंक जो कॉपी किए थे ये पेस्ट किए, यहाँ पेस्ट हो गया। इसका सर्च करेंगे हम, यहाँ मेरा सर्च ऑप्शन है, सर्च करेंगे, सर्च हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक उनका आ रहा है, कह रहा है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं दिखा रहा है। यहाँ आप हिंदी भी कर सकते हैं, क्लिक फॉर हिंदी मैसेज, हिंदी कर दिए क्लिक, ये पे सारा इन्फॉर्मेशन बोलना है। और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप सही आदमी है, आप ही का आईडी है, आप ही का सब चीज़ है, तो आपके पास पैन कार्ड होगा, तो इसलिए पैन कार्ड नंबर भी बोलना है। ये कंपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है कि आपका यहाँ पैन कार्ड नंबर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको पैन कार्ड नंबर बोलना है, ये नाम बोलना है, मोबाइल नंबर पूरा बोलना है, दुकान का नाम बोलना है, इसके बाद मेरा पता बोलना है पूरा, पैन कार्ड नंबर बोलना है, मेरा पता प्रमाण संख्या यानी आधार कार्ड संख्या ही बोलना है, लास्ट में बोलना है मैं RNFI का आईडी लेना चाहता हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने के बाद ये सारा चीज़ बोलना है। यहाँ से क्लिक किए हम स्टार्ट वीडियो में, ये वीडियो स्टार्ट हो गया, ये 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अब। तो ये रिकॉर्ड उन्हीं को करना है जिनका ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये 60 सेकंड तक ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये रिकॉर्डिंग हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी रिटेलर का कहना है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अब ये कैसे होगा सोल्यूशन इसका, या तो उसका नेट प्रॉब्लम का होगा, या तो फिर नेट का ही प्रॉब्लम होगा जनरली, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये देखिए प्लीज वेट बता रहा है, 30 सेकंड हो गया, ये इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको बोलना है, नाम मोबाइल नंबर, मेरी दुकान का नाम ये है, मेरा एड्रेस पूरा बोलना है, पिन कोड तक, पैन कार्ड संख्या बोलना है, प्रमाण संख्या यानी आधार कार्ड संख्या भी बोलना है, मैं RNFI ID का आईडी लेना चाहता हूँ ये भी बोलना है। 13 सेकंड तक हो गया, अब ये 60 सेकंड तक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये अपलोड हो गया वीडियो, लेकिन आगे रिटर्न का कहना है कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए ये वीडियो अपलोड हो गया, चल रहा है वीडियो, आगे रिटर्न का कहना है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। यहाँ कंफर्म करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, आप लोग को कन्फर्म करना है, धन्यवाद। इस तरह से ही वीडियो KYC किया जाता है, दोबारा से ही वीडियो आप कर सकते हैं, अगर वीडियो देख लीजिए उसको प्ले करके ठीक नहीं हुआ तो आप दोबारा से भी स्टार्ट करके चेक के लिए वीडियो क्लिप बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अब लॉग आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बनाना नहीं है, ये रिटेलर का खुद का KYC है, ठीक है, धन्यवाद। इस तरह से वीडियो KYC किया जाता है।